दुर्ग के अधिवक्ता संघ की लंबित मांग को पूरा करते हुए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अधिवक्ता संघ को एसी भेंट किया। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा गर्मी को देखते हुए राज्यसभा सांसद से एसी की सुविधा दिए जाने की मांग रखी थी, जिसको लेकर दुर्ग अधिवक्ताओं के बीच पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग अधिवक्ता संघ को 6 AC दिए जाने की घोषणा की। साथ ही इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने न्यायालय परिसर का जायजा लिया और अधिवक्ता सभागार पहुंची, जहां अधिवक्ताओं ने उनका सम्मान किया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन और राज्यसभा सांसद ने प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष के द्वारा ये मांग की गई थी और ये मांग बेहद जायज थी। मेरा भी जब कभी यहाँ पे आना होता है तो मुझे महसूस होता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकताएं आम जनता को भी होती है, अधिवक्ताओं को भी होती है, और अगर वो आवश्यकता पूरी हो तो यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, और उन सुविधाओं को देने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अधिवक्ता संघ को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर पहले से बहुत बेहतर व्यवस्था की है। आज बहुत लंबे समय के बाद मेरा कोर्ट के इस परिसर में आना हुआ है, यहाँ का स्वरूप बहुत बदला हुआ है। मैं अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष को, उनके पूरे पदाधिकारियों को बहुत बधाई देती हूँ, और ये परिसर और भी सुविधा संपन्न हो, मैं ऐसी भी कामना करती हूँ। अधिवक्ता संघ में सुविधाओं की बहुत कमी रही है, और माननीय सरोज पांडे जी जब होली मिलन समारोह में आई थी, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं एसी दूंगी, और वह घोषणा अमल हुई है। मैं माननीय सरोज पांडे जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अधिवक्ता संघ की मांग को पूरी की है, और साथ ही 3 कूलर और देने जा रही हैं। हम सब अधिवक्ता साथी उन्हें तहे दिल से बधाई देते हैं, और साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 6 AC माननीय सरोज पांडे जी के माध्यम से मिली है, और 6 AC राजेश मिश्रा जी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनके माध्यम से मिली है। तो बहुत राहत महसूस होगी, गर्मी के इस माहौल में अधिवक्ताओं को ज़रूरी था, और ये इसके लिए मैं तहे दिल से पुनः सरोज पांडे जी को धन्यवाद देती हूँ। ग्रैनी सीन न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।